फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, पूरे दिन घर में थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। मैंने सोचा घर में बैठ के खाए पिए मूवी देखे, बस यही हम लोग किए हैं। वेब सीरीज बैठ के हम लोग देख रहे थे, कौन सा, गुल्लक। गुल्लक का पूरा सीरीज ख़त्म किए, बहुत अच्छा लगा है। फिर ढूंढेंगे, फिर कल संडे और फिर देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सब्जी लेना है तो मॉल जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, कोटा कचौड़ी खाने। वहाँ बहुत टेस्टी मिलता है चाट, बहुत वैरायटी का, बहुत यम्मी यम्मी मिलता है, बहुत ज़्यादा फेमस है बैंगलोर में कोटा कचौड़ी। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्या वो कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बोल लीजिए, बोल लीजिए। तो अभी शाम सोच के रहा है छः कैसे साढ़े छः तारा मारे तुम्हारे मुंह पे, तो जल्दी अभी चलो। चलते हैं, चलिए। आप बताइए क्या खाना आपको? तो घेवर है, घेवर नहीं, काले चाट। कौन सा चाट लेना आपको? एक राज कचौरी और दो रसमलाई। तो यहाँ हमारा बन रहा है राज कचौरी। उनका बहुत दिन से मन था ना, उस दिन मिला नहीं हल्दीराम में ना, भीड़ के कारण। तो ये है हमारा राज कचौरी और रसमलाई। आप ऑफिस से यहीं पे आए थे ना खाने, अकेले अकेले, इसलिए हम लोग आज साथ में आए। कोटा कचौरी बहुत फेमस है, आप जब भी आना बैंगलोर ट्राई जरूर करना। तो अब हम लोग फिनिश करते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा चाट। One eternity later। तो हमारा खाना हो चुका, बहुत मजा आया, मजा आ गया। अभी काम पे लगना है आपको। चलिए मॉल से सब्जी निकालिएगा, चुन चुन के अच्छा अच्छा सब्जी। चलो, थैंक यू पानी लाने के लिए। चलिए, मेरा पेट तो बहुत फुल हो चुका है, मॉल में आप ही काम करेंगे, सब्जी अच्छे अच्छे चुनने में मेरी हेल्प करेंगे, हमेशा तो आप ही करते। वैसे कौन सा मॉल जाना, मेरे को भूल गए, स्टार, हाँ स्टार हाइपर मार्केट, वही आपका मन आत्मतृप्त हो ना। सच में कोटा कचौरी बहुत फेमस है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए निकाले कैसे यार। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कार हाइपर मार्केट के पार्किंग में। तो हम लोग ये हेलमेट लॉक करने वाला ले चुके हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता था इसमें लगाने का, काटना भूल गया। अच्छा, अभी लगा दीजिए, फिर घर पे जाके उसको अच्छे से काट लेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होता था इसमें, दो हेलमेट फंस नहीं पाता था। नहीं, अरे मेरा दिमाग था ना, अच्छा होगा ही। लगा, ये हुई बात। यार राखी मिल रहा है, लेकिन मेरा भाई पटना में, मैं इस बार राखी अपने भाई को नहीं बांध पाऊंगी, पहली बार। क्या, हाँ अभी है तो इतना सारा खीरा ऊपर है, लेकिन इनको लेना है नीचे से। वाह जी, मॉल वाला बोलेगा कि भैया आपको ये वाला खीरा नहीं दिखता है। हाँ, वो अंकल भी नीचे से उठा रहे हैं और आप भी नीचे से उठा रहे हैं। कितना किलो, 2-3 किलो हो गया बस से। नहीं वो मत लो, इसलिए बोले ना, लौकी पक्का खराब जाने वाला है। नहीं अच्छा, बस तुम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लो, पकड़ो। आप सब्जी अच्छा खरीद लेते हैं, कितने साल का तजुर्बा है? दो से ज्यादा नहीं, बाप रे। नहीं नहीं, दो प्लीज, दो दो। कितना पसंद है आपको? कद्दू का खीर कौन खाता है? नहीं हम नहीं खाते, सॉरी, सब्जी खा लेते वही बहुत है। क्या प्लीज ना, चलो कुछ डेंजर चीज लेने वाले। ओ करेला लेने जा रहे हैं आप? ओ किसको करेला पसंद होता है? करेला हम नहीं खाते, बस अपने लिए लीजिए, दो से ज्यादा नहीं प्लीज। करेला कौन खाता है जी? चार से ज्यादा नहीं, बस चार, ठीक है बस दो, दो काफी, दो जरा हो जाए, एक ही ले लो। नहीं, दो काफी, दो
फाइनली जाकर टमाटर सस्ता हो गया, 25 रुपए किलो टमाटर हो गए। हो गया बस एक ही किलो, खराब हो जाता है ना फिर। अच्छा चटनी बना के खा रहे हैं हम लोग। मशरूम तो लिए ही नहीं, फ्रेश एकदम है ना। इसका ले लो, ये ले लो। नहीं उनको डाइटिंग नहीं करना। तो सारा सब्जी ले ली है। हाँ अभी सावन उतरने वाला है, बताइए क्या होगा फिर, सब्जी का सूखेगा। हो गया, अभी फास्ट कर दिया। ये मेरा फेवरेट है इसलिए दो बस। अच्छे से चलिए नहीं, कैसे बूढ़े की तरह झुक झुक के चल रहे हैं। ओ जी कोई देखे तो क्या कहेगा, इसका पति बूढ़ा है। सीधा ये अब इसमें लाइन में लगने में भी कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पता अब ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो रही। नहीं वो डब्बा वाला मीठा मेरे को पसंद नहीं, दो तीन के बाद ही हमारा नंबर है। जल्दी बिलिंग कराइए। देखो मीठा देखते नहीं उठाना है, मीठा नहीं लेना प्लीज़। बहुत मीठा खाते हैं आप। गुलाब जामुन देखे नहीं कि हाथ चला गया वहाँ। तुम क्या खाओगे गुलाब जामुन? हम कुछ नहीं खाएंगे ना प्लीज़ ना, मीठा। आप भी मिठाई खाएँ घर पर, अभी हैं घर पर फ्रिज में। प्लीज मत लीजिए, निकालिए जल्दी इसको, प्लीज निकालिए उसको। जितना मीठा मना कर रहे हो उतना ही आप मीठा खा रहे, समझे? हम बिलिंग के टाइम में निकाल देंगे उसको, जिम जाना मीठा खा के। फिर ले ही लिए गुलाब जामुन आप, रसगुल्ला गुलाब जामुन, जल्दी जल्दी कराइए। अच्छे ड्यूटी पे लगते हैं आप ना, सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे को अच्छे ड्यूटी पे आते हैं। जल्दी आइए, कितने बदमाश हैं आप। तो अभी सब सामान को बैग में डाल चुके हैं और वो गए उधर पार्किंग की तरफ अपनी बाइक लाने। चले उठा के रखिए, कहाँ चले, इधर है, रखिए उठा के, लीजिए उठा के। तो अभी चलते हैं गाइस। ये ट्रैफिक, ये बलून, मन्ना रहती तो लेती ना बलून, हमको भी लेना है बलून। One eternity later. तो अभी हम लोग तुरंत मॉल से आए सब्जी लेके, तो हम लोग सोचे चलो दीखे घर, बहुत दिन हो गए गए हुए। तो अभी रात के 8-10 हो रहे हैं, हम लोग को 9 बज जाएगा ना पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ट्रैफिक है ना बहुत। 9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर आधे घंटे बैठ के 8:30 में पहुँचे। अरे 8:10 हो रहा है अभी। अच्छा 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ आधे घंटे बैठेंगे फिर घूम फिर के। और आपके वर्ड में क्या बोलते हैं आप, हमेशा नहीं बोलते चलो बाइक से क्या मार के आते हैं, गेड़ी मारने। तो अभी हम लोग चलते हैं ना कि 8:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन देखिए अभी कितना हो गया, 1:37। अभी हम लोग ट्रैफिक में हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कि अपार्टमेंट के पार्किंग में। हम बोले थे ना 9 बजे पहुंचेंगे और अभी 9 बज गया। और दी को हम लोग बताए नहीं थे, सरप्राइज देने आए थे, लेकिन यहाँ क्या नीचे वो गार्ड जो रहते हैं, हाँ उनके पास मैसेज चला जाता है इनके नंबर के साथ नाम के साथ, तो पता चल गया। बट कोई नहीं, पहले तो नहीं पता था, हम लोग नीचे आ गए पार्किंग में तब पता चला। तो अभी चलते हैं मिलने। ए, बहुत दिन बाद हम लोग दिखे घर आए, आज मौका मिला है तो आ गए हम लोग। चुप के चलते हम लोग, कुछ बोलना नहीं, एकदम धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे चलिए, पता तो चल गया वैसे। हाँ कोई आया लग रहा है, वैसे भी सरप्राइज मालूम चल चुका है, देख लिए तुमको। क्या लगा आपको, नाम आया नहीं इनका? हाँ तो आधा नाम आया ना, किसी और को किसका सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज नहीं आया मेरे को, खुश हुई। यार कॉल भी दिया आपको, हाँ पूछे कि देखो तो दीदी घर पे है ना, बताना मत कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए वीडियो कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं One hour later. ये बेईमान को देखो चिकन खा रहा है और मैं वेज, कितने गंदे हैं आप। हाँ 3 hours later. Bye. तो अभी बज रहे रात के 12:15 और अभी हम लोग दीखे घर से निकल रहे हैं, यहाँ से आधे घंटे लगेंगे हम लोग को घर जाने में। तो अभी चलते हैं।
बज रहे हैं, 12:25, अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो अब चल के आराम करते हैं। तो इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।